हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, आज की जो अपडेट होगी वो होगी हम जो SGPGI की न्यू वैकेंसी है उसके बारे में हम यहाँ पर जो चर्चा है वो करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को एक बड़ी इन्फॉर्मेशन से एक बड़ी अपडेट यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ कि SGPGI की तरफ से एक आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। ठीक है, और बहुत ही जल्दी एक खुशखबरी मिल सकती है। इस चीज़ के बारे में यहाँ पर मैं कंप्लीटली है वो जानकारी आपको देने वाला हूँ। जो इस पोस्ट का नेम आपका यहाँ पर होगा स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड सेकंड या फिर स्टाफ नर्स या फिर नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, पोस्ट के बारे में यहाँ पर हम जो डिस्कस करते हैं कि आपकी कितनी जो पोस्ट है वो रहने वाली है, तो आप सभी को मैं यहाँ पर बता दूँ आपकी जो पोस्ट रहेंगी वो रहेंगी 1500 के लगभग आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ऐसा सुनने में आ रहा है अभी तक कि 1500 के लगभग आपकी जो पोस्ट है वो रिलीज की जा सकती है। ठीक है, उसका जो सैलरी लेवल रहने वाला है वो देख लीजिए 44,900 रुपये इसका क्या रहता है, बेसिक रहता है। ठीक है, 44,900 में इसके जो ऐड होते हैं वो होते हैं TA ऐड होते हैं, DA ऐड होते हैं और जितने भी अनाउंस हैं वो सभी अनाउंस जुड़कर इसकी जो सैलरी है वो 82 से क्या होती है, स्टार्टिंग होती है। यानी कि 82 से यहाँ पर स्टार्टिंग होती है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है www.sgpgims.ac.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, बात करें इसकी जॉब लोकेशन कहाँ रहने वाली, तो मैं आपको सभी को बता दूँ इसकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो रहेगी लखनऊ, यानी लखनऊ के अंदर SGPGI उसके अंदर आपकी यहाँ पर जो पोस्टिंग है वो रहने वाली है। काफ़ी कैंडिडेट सोच रहे होंगे पोस्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं हुआ, तो उस पोस्ट के बारे में भी यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ये आप जरूर देख लीजिएगा, लास्ट के अंदर आपको पोस्ट के बारे में डिटेल से आपको बताने वाला हूँ और कब तक वैकेंसी आएगी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वैकेंसी आपकी कब तक आने वाली है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो यहाँ पर देख लीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी GNM और BSc नर्सिंग कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि GNM कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना GNM वाले कैंडिडेटों के पास 1 ईयर या फिर 2 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस है वो मांगा जा सकता है। उसके बाद में जो BSc नर्सिंग कैंडिडेट है BSc नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे लेकिन विदाउट, यानी कि कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा। उसके बाद में पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टिंग है तो MSc नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। सिर्फ यहाँ पर जो एक्सपीरियंस की डिमांड हो सकती है अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन अगर डिमांड हो सकती है तो वो GNM वाले कैंडिडेटों के पास है। ठीक है, देख लीजिएगा स्टाफ नर्स BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग या GNM वाली जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए GNM वाले कैंडिडेट के पास हो सकता है यहाँ पर 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपका यहाँ पर मांग लिया जाए। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो SGPGI है उसके अंदर एज रिलैक्सेशन आपका क्या रहता है। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो एज रिलैक्सेशन देख लीजिए OBC कैटेगरी के लिए आपका 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। SC जो ST कैटेगरी है उसके लिए आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो PWD कैटेगरी आती है PWD कैटेगरी के लिए आपको 10 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन ऐड होता है। ठीक है, लेकिन जो इस चीज़ का आप जानकर जो कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकैप है या जो डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर और भी बोनस चीज़ें मिलती हैं और भी वहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है। बात करें एज लिमिट के बारे में कि इसकी जो एज लिमिट है वो कितनी रहती है, तो आप सभी को बता दूँ मिनिमम एज लिमिट इसकी 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी इसकी 35 ईयर। ठीक है, 35 ईयर इसकी जो मिनिमम एज लिमिट है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये PDF आपको सिर्फ एक हैंड निर्देश देने के लिए या फिर एक इंडिकेटर डायरेक्शंस के लिए है, बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ आपको यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखनी है। ठीक है, 80 से लेके और 35 तक आपकी यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एज रिलैक्सेशन के बारे में मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर ही दिया है। पे स्केल के बारे में यहाँ पर डिस्कस करें तो 4800 ग्रेड पे के हिसाब से जो सैलरी है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है, यानी कि जो आपका पे लेवल रहता है वो रहता है 4800 का। ठीक है, तो 4800 के हिसाब से आपकी सैलरी रहती है, यानी कि बेसिक आपका रहेगा 44,900 रुपये आपका बेसिक रहता है। लेवल 7 के हिसाब से जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके बाद में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वैकेंसी है वो कब तक आने वाली है, यानी कि काफ़ी कैंडिडेटों का यही कमेंट रहता है कि जो वैकेंसी है वो आपकी कब तक आएगी। तो मैं आप सभी को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि जो आपकी वैकेंसी है जहाँ तक मेरे को पता लगा है या फिर जिन भी कैंडिडेटों से इन्फॉर्मेशन मिली है बातें हुई है, तो उसके आधार पर मैं बताता हूँ कि फरवरी के अंदर हो सकता है आपको यहाँ पर बड़ी खुशखबरी देखने को मिलती है SGPGI की तरफ से। काफ़ी पूरे चांस यहाँ पर बन रहे हैं, ये देख लीजिए 90% आपको चांस यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि SGPGI की वैकेंसी है आपकी जो फरवरी के अंदर रिलीज हो सकती है। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेटों से बात होने के बाद में काफ़ी रिसर्च के बाद में आपके पास यह वीडियो है वो मैं लेकर आ रहा हूँ कि हो सकता है आपकी अपडेट है वो फरवरी के अंदर देखने को मिल जाए। ठीक है,
तो ये सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना जरूरी था कि जितने भी वहां पर कैंडिडेटों के द्वारा सूचना मिली है कि फरवरी के अंदर आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है SGPGI का वो रिलीज हो सकता है, जिसके अंदर जो पोस्ट आपकी रहेंगी लगभग 1500 के आसपास यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना जरूरी था, और ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप तक हम टाइम से पहुंचाते रहेंगे। और भी यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है, ध्यान रखना UPPSC की आपकी जो वैकेंसी है UPPSC 2024 की, फिर से यहाँ पर वैकेंसी आने की संभावना हो सकती है कि UPPSC के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाए। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर जो रेलवे की RRB की वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी, SSC की वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि RRB के अंदर अब रेगुलरली पोस्ट है वो स्टार्ट हो चुकी है। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो पोस्ट हैं वो आना स्टार्ट हो चुकी हैं, कभी फार्मासिस्ट की, कभी रेडियोग्राफर की, काफ़ी कभी ड्राइवर कुक, काफ़ी अलग अलग पोस्ट यहाँ पर रिलीज की जा रही है। धीरे धीरे तो हो सकता है आपके नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है RRB की तरफ से वो भी आपको वेरी सुन बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है या फिर कोई न्यू अपडेट सुनने में आती है RRB से रिलेटेड, तो अभी मैं आप सभी को यहाँ पर पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे अपडेट हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। उसके बाद में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वैकेंसी है वो कब तक आने वाली है, यानी कि काफ़ी कैंडिडेटों का यही कमेंट है कि जो वैकेंसी है वो आपकी कब तक आएगी। तो मैं आप सभी को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि जो आपकी वैकेंसी है जहाँ तक मेरे को पता लगा है या फिर जिन भी कैंडिडेटों से इन्फॉर्मेशन मिली है बातें हुई है, तो उसके आधार पर मैं बताता हूँ कि फरवरी के अंदर हो सकता है आपको यहाँ पर बड़ी खुशखबरी देखने को मिलती है। SGPGI की तरफ से काफ़ी पूरे चांस यहाँ पर बन रहे हैं, ये देख लीजिए 90% आपको चांस यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि SGPGI की वैकेंसी है आपकी जो फरवरी के अंदर रिलीज हो सकती है, ठीक है। काफ़ी कैंडिडेटों से बात होने के बाद में, काफ़ी रिसर्च के बाद में आपके पास यह वीडियो है वो मैं लेकर आ रहा हूँ कि हो सकता है आपकी अपडेट है वो फरवरी के अंदर देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना जरूरी था कि जितने भी वहां पर कैंडिडेटों के द्वारा सूचना मिली है कि फरवरी के अंदर आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है SGPGI का वो रिलीज हो सकता है, जिसके अंदर जो पोस्ट आपकी रहेंगी लगभग 1500 के आसपास यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना जरूरी था, और ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप तक हम टाइम से पहुँचाते रहेंगे। और भी यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है, ध्यान रखना UPPSC की आपकी जो वैकेंसी है UPPSC 2024 की, फिर से यहाँ पर वैकेंसी आने की संभावना हो सकती है कि UPPSC के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाए। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर जो रेलवे की RRB की वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी, SSC की वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि RRB के अंदर अब रेगुलरली पोस्ट है वो स्टार्ट हो चुकी है। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो पोस्ट हैं वो आना स्टार्ट हो चुकी हैं, कभी फार्मासिस्ट की, कभी रेडियोग्राफर की, काफ़ी कभी ड्राइवर कुक, काफ़ी अलग अलग पोस्ट यहाँ पर रिलीज की जा रही है। धीरे धीरे तो हो सकता है आपके नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है RRB की तरफ से वो भी आपको वेरी सुन बहुत ही जल्द आपको